हाय गाइस, दिस इज बिंज गुरु वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आज हूँ अपने घर पे और आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाऊंगा कि आप लोग भी काफ़ी कन्वीनियंटली इसको ऑर्डर कर सकते हैं जोमेटो से। टुंडे कबाबी का तो नाम आपने सुना ही होगा, जो गलौटी कबाब बनाए जाते हैं मुगलों के ज़माने के, वही आज हमने ऑर्डर किए हैं घर पे। ऑर्डर एक्चुअली नहीं किए, हमारे एक मित्र ने हमें ला के दिए हैं बहुत सब प्रेम से, तो उसको मैंने सोचा क्यों ना करें ट्राई, क्योंकि लखनऊ अभी जाना हुआ नहीं। बट वो चीज़ जो यहाँ मिल रही है लखनऊ की, बहुत ही मेरे को लगा बहुत ही मतलब सराहनीय है। ये देखिए, ये है जी आपका टुंडे कबाबी का लेबल, और जिस हिसाब से ये ऑनलाइन बेच रहे हैं, मैंने चेक किया आउटलेट है गुड़गांव में, और काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे बेचे जा रहे हैं टुंडे के कबाब, जो कि टुंडे के मटन कबाब हैं एकदम गजब वाले। ये देखिए, 8 पीसेस दिए गए हैं हमें, और किस हिसाब से मुझे लग रहा है इतना जायका इसका अच्छा आ रहा है। मतलब खोलने से पहले ही मुझे इतना टेस्ट आ रहा था ना इसका, मेरे से रुका नहीं जा रहा। मतलब मैं क्या कहूँ आपको, इसके साथ जाता है उल्टे तवे का पराठा, बट हमने घर पे पराठा बनाया है, अपने घर पे बनाया है, और इसको करते हैं ट्राई और आपको दिखाते हैं क्या इसका टेस्ट रहेगा। ये देखिए गाइस, ये है टुंडे के गलौटी कबाब। ये देखिए कैसे एकदम टूट गया, ये देखिए कितने अच्छे से बनाए गए हैं ये कबाब। ये देखिए इसके अंदर एकदम मैश हो रहा है। तो ये देखिए गाइस, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। 8 पीसेस हैव बीन गिवन, और खुशबू देखिए एकदम, वाह भाई वाह, आह हा हा। 160 तरह के मसाले यूज़ करते हैं ये लोग, इनके हिडन स्पाइसेस होते हैं, और नाम ऐसे ही नहीं बन गया, मतलब एक नाम है किसी चीज़ के लिए नाम है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा इतनी बेहतरीन सी प्रिपरेशन है इनकी कि आप क्या कहें उसको। तो इसको हम करते हैं अपने पराठे के, घर के पराठे के साथ ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे। कुछ नहीं लगा इसके अंदर, न कोई चटनी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये जो माल जा रहा है ना, ये माल ही तर माल है, मैं ये कहना चाहूँगा। ये देखो गाइस, नो वर्ड, मज़ा। ये देखो जी कैसे घुलता है, ये कैसे घुल रहा है, ये देखिए आप कैसे टूट रहा है। टूटने का कारण ये होता है, गलावट के लिए इसमें डाला जाता है पपीता, और वो देखिए कितना सॉफ्ट है। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया भाई, मज़ा दे दिया। मैंने दिल्ली में ऐसी प्रिपरेशन अभी तक नहीं खाई, मतलब मैंने खाए हैं काफ़ी तरह के गलौटी कबाब, जो कि हमने राजेंद्र के ढाबे पे खाए थे, पीछे मैंने द्वारका में खाए थे क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आए, बट ये एक्सेप्शनल सी चीज़ है। ये देखिए, ये एक्सेप्शनल है, ये देखिए, देखो कैसे ये गिर जाएगा, अभी ये गिर गया, टूट के गिर गया। तो ऐसी प्रिपरेशन मैं चाहता हूँ आप लोग भी ट्राई करें हमारे रिकमेंडेशन पे, और अगर आप लखनऊ जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, वहाँ पे हमने ट्राई किए हुए हैं, और उल्टे तवे का पराठा ज़रूर खाएं इसके साथ। तो गाइस, ये है जन्नत, असली जन्नत है ये। वाह भैया, जो गलावट है, जो नरमपन है उसके अंदर, जो स्मूथनेस है, जो टेस्ट है, मैं बयां नहीं कर सकता। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, ऐसी जो ट्रीट मिली हमें, उसको मैं भी आपको भी चाहूँगा आप भी ट्राई करिए, और उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर ट्राई करेंगे हमारी रिकमेंडेशन पे। ट्राई रिकमेंडेशन करते हैं, और अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट करिए चैनल पे, वीडियो पे, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ, और मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ ऐसे ही रिकमेंडेशन को दिखाते हुए आपको। तो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय।